आंधी तूफान से दर्जनों मकान व दर्जनों लोग हुए घायल, तो वहीं एक बच्चे की हुई मौत। जी हां, खबर मध्य प्रदेश के भिंड जिले से है, जहां आंधी और तूफान ने भारी तबाही मचाई। बेमौसम बारिश की वजह से कई कच्चे मकानों के गिरते ही दर्जनों लोग इनके मलबे में दब गए, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं गंभीर हालत के मरीजों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इलाज जारी है। वहीं स्थानीय लोगों का आरोप है कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी सरकारी अमला उनके गांव पहुंचा ही नहीं है, और पहुंचा भी तो कोई तत्काल मदद नहीं मिली, जिससे खाने पीने के लिए पीड़ितों को परेशान होना पड़ रहा है। सूत्रों के मुताबिक आंधी तूफान का असर भिंड जिले के लगभग सभी तहसीलों पर, भिंड, अटेर, महगांव, गोहद, मालनपुर, रौन, लहार, मऊ, अमायन इत्यादि जगहों में पड़ा है, जिससे भारी नुकसान हुआ है। इतना ही नहीं, 11 केवी व 33 केवी की लाइनें ध्वस्त हो गई हैं, जिसके कारण बिजली सप्लाई बंद होने की वजह से लोगों के बिजली से चलने वाले उपकरण बंद हो गए हैं, तथा टावर बंद होने से मोबाइल व्यवस्था भी चरमराई हुई है, एवं कई जगह पेड़ पौधे गिरने से रास्ते अवरुद्ध हैं। लोगों का मानना है कि इससे पहले ऐसा आंधी तूफान कभी नहीं देखा गया, जिसमें पक्के मकान भर भरा कर गिर गए हों। गोहद के धमसा कापुरा में दो मंजिला मकान के गिरने से 4 लोग घायल हुए हैं, जिसमें लाखों रुपए का नुकसान हुआ। तो वहीं पेवली में कच्चा मकान गिरने से लोग घायल हुए हैं। परा में 2 वर्ष के बच्चे की मकान में दबने से मौत होने की सूचना भी प्राप्त हुई है। फिलहाल इस संकट की घड़ी में शासन प्रशासन से लोगों को मदद की दरकार है, और शासन प्रशासन के लिए एक चुनौती भी। जी, कैसे मकान आपका गिरा? सर, रात के 8:30 बजे के लगभग पानी एकदम आंधी आई ना, तो 9 बजे पे ऐसे हमारे साथ में दुर्घटना हुई। तो फिर हम चिल्लाने, तो हमारे मोहल्ले वाले सब लोग आए, तो उनने हमको निकाला। हमारे 2 बच्चा 1 बच्ची, हम दोनों जने, 4 जने उसमें अंदर दबे हुए थे। तो उनने हमको निकाल के फिर रात को हमने दूसरे घर पे रात काटी अपनी। उसके बाद में हमने सरपंच को बुलाया, तो उनने भी हमको बोला कि हम कुछ भी करेंगे। फिर हमारे साथ में पुलिस भी आई, उनने भी अच्छे काम किए, बोला ऐसे ऐसे आ जाओ हमारे पास, शिकायत करो आगे, अपना हम तुम्हारी कार्रवाई करवाएंगे। चोटें किस किस को लगी? चोट के सर हमारी बीवी के भी है कमर में, हमारे भी है थोड़ा थोड़ा, बच्चा हमारा एक बिल्कुल दबा हुआ था, उसके पैर में भी चोट है। आपका बच्चा कैसा है? सर हमारा बच्चा विकलांग है, वो भी दबा था, तो हमने उसको भी निकाला, तो फिर भी उसके पैर में थोड़ा चोट है। विकलांग का सर्टिफिकेट नहीं है? सर्टिफिकेट है सर, ऐसे ही बनाया उनने, तो हमारा कुछ अभी सरकारी तरफ से कुछ हमको मामला नहीं मिल रहा है बिल्कुल। क्या नाम है? हमारा नाम है प्रहलाद। कौन सा गाँव? पेवली का पूरा। तूफान की वजह से और जो यहाँ पे नुकसान हुआ है, उसके लिए मैं जगह जगह भ्रमण कर रहा हूँ और पूरा एक डाटा तैयार करके माननीय कलेक्टर महोदय और SDM महोदय से मुलाकात करूँगा, और आपके चैनलों के माध्यम से भी इस बात को उठाऊंगा, और जिनका नुकसान हुआ है उनका सर्वे कराकर नुकसान का मुआवजा दिलवाने की पूरी कोशिश करूँगा। आपका शुभ नाम क्या है? जी, मेरा नाम डॉक्टर राजकुमार देसलहरा है, मैं प्रदेश महामंत्री हूँ किसान कांग्रेस में। आपका नुकसान कितना हुआ? नुकसान हुआ है, ऊपर से नीचे कमरे की छत हुआ, नुकसान 4-5 लाख का हो गया सब। तो खाने पीने का आटा भी नहीं उसमें, सब दब गया, कूलर पंखा अलमारी वो सब पलिंग, और हमारे गेहूँ खाने के लिए रखे थे सब फूट के उसमें दब गए हैं। हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, गांव से लेके गांव में सदस्यों ने हमारा सहारा दिया, खाना आना खिला रहे हैं, और घर में जाके सहारा दिया, बच्चे हमारे घर पे छोड़ दिए। कोई सरकारी अमला आया था? सरकारी अमला आए थे, तहसीलदार साहब आए थे, उन्होंने फोटो वोटू खींच के वो ले गए, अभी तक बोले के SDM आएंगे और कलेक्टर साहब आएंगे, आपकी सुनवाई हो जाएगी, मगर अभी तक कोई आया नहीं है। आपका शुभ नाम क्या है? सूरज सिंह कुशवाहा। पिताजी का नाम राम अवतार कुशवाहा, वो अभी यहाँ पे है नहीं इस वक्त। कौन से गाँव की घटना? ये धमसा कपुरा। कहाँ पड़ता है ये? पोस्ट शर्मा में, तहसील गोद में, और थाना एड़ोरी के क्षेत्र में पड़ता है। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।